संवर्गीय समस्याओं विशेषकर नायब तहसील के रिक्त पदों पर संगत नियमावली के अनुसार राजस्व निरीक्षक की अविलंब पदोन्नति, संवर्ग के वेतनमान सहित कार्यालय के संसाधनों की उपलब्धता सहित विभिन्न लंबित मांगों को पूरा किए जाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक संघ जिला इकाई के सदस्यों ने तहसील दिवस का बहिष्कार करते हुए सदर तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व संघ के जिला अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह ने किया। इस मौके पर संघ के जिला मंत्री दिलीप कुमार, प्रदुमन सिंह सहित अन्य पदाधिकारी और राजस्व निरीक्षक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राजस्व संघ के जिलाध्यक्ष वीर बहादुर सिंह ने कहा, वीर बहादुर सिंह जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक संघ। आज हम लोग प्रदेश नेतृत्व के आंदोलन के निर्देश पर आंदोलनरत हैं, जिसकी सूचना जिलाधिकारी महोदय को दी जा चुकी थी। हम लोगों का आंदोलन का मुख्य मकसद है कि यहाँ हमारे सभी साथी यहाँ पे प्रोन्नति से लगभग राजस्व निरीक्षक से नायब तहसीलदार पद पर प्रोन्नति होनी है, 617 पद प्रोन्नति से भरे जाने हैं, जिसमें लगभग सभी पद रिक्त हैं और हम लोग डेढ़ वर्ष पूर्व प्रोन्नति के सभी अर्हताएँ पूरी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों की प्रोन्नति नहीं की गई, यहाँ तक कि ग्रेडेशन लिस्ट जारी नहीं की गई। एक बार अंतिम सूची जारी करने के बाद पुनः अंतिम सूची जारी कर दी गई और 6 महीने से अधिक हो गया, अभी तक अंतिम सूची जारी नहीं की और जानबूझ करके हम लोगों का प्रोन्नति बाधित किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग माननीय शासन परिषद और सरकार को हम लोग अवगत कराना चाहते हैं और आंदोलनरत हैं। दूसरा, इसके साथ हम लोगों का ये है कि जल्द से जल्द ग्रेडेशन लिस्ट जारी करके प्रमोशन कराया जाए। उसके साथ सहायक भूले के अधिकारी के पद भी बहुत सारे अधिकतम रिक्त हैं, उस पर भी वर्तमान नियमावली के तहत प्रमोशन कराई है। इसके साथ साथ हम लोगों का ग्रेड वेतन अन्य समकक्ष पदों के सापेक्ष बहुत ही कम है। हमारे समकक्ष जो भी पद हैं उसमें 4200 से 4600 तक का ग्रेड वेतन है और हम लोगों को मात्र 2800 ग्रेड वेतन दिया जाता है, जो बहुत बड़ा वेतन विसंगति है। कहीं भी बताने में भी हम लोगों को संकोच होता है कि हमारा ग्रेड वेतन 2800 है, जबकि हम लोग अपने विभाग के राजस्व निरीक्षक निरीक्षक इंस्पेक्टर हैं और किसी भी विभाग का इंस्पेक्टर 4200 से 4600 ग्रेड पे पाता है, 2800 ग्रेड पे किसी भी विभाग का ग्रेड इंस्पेक्टर का नहीं है, जबकि ये राजस्व विभाग अन्य विभागों का भी काम कराता है, इतना महत्वपूर्ण विभाग होते हुए इतना खराब है। इसके साथ साथ हम लोगों के चेयरमैन के लिए नियमावली बनी हुई है, चेयरमैन भी लगभग सभी राजस्व निरीक्षक के पास नहीं है, पद रिक्त हैं, उसको भरा जाए। हम लोगों को कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। हम लोगों के लिए जो भी है यात्रा भत्ता उपलब्ध कराया जाए, स्टेशनरी का उपलब्ध कराया जाए। ये सभी मांग लेकर के हम लोग आंदोलनरत हैं। सबसे महत्वपूर्ण मांग हमारा प्रमोशन और ग्रेड पे है, जिसके लिए हम लोग आंदोलनरत हैं और जब तक अभी आज के बाद हम लोग कुछ समय 15 दिन बाद यदि हम लोगों की मांग नहीं पूरी होती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन पर, पूरे प्रदेश के राजस्व निरीक्षक अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाएंगे। धन्यवाद।